संडे इवनिंग में आपका स्वागत है। और हमारा ये संडे इवनिंग का जो सेशन चल रहा है ये बहुत अच्छा जा रहा है, आप लोग इसको काफी पसंद कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट करके अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने में उससे हेल्प मिल सके। कैसे बनाते हैं, आप जो भी चीज सोचते हैं वो आपके साथ होने लगती है। आप इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अच्छा सोचिए, सकारात्मक सोचिए, क्योंकि आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव वाइब्रेशन जब आप अपनी लाइफ में देंगे तो आपके साथ सब चीजें अच्छी होंगी। इस पे एक नियम काम करता है जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है इसको आप समझने की कोशिश करिए। आप जब कोई भी विचार अपने दिमाग में लाते हैं तो वो विचार आपके यूनिवर्स में आपके विचारों से चारों तरफ फैल जाता है, उसका ऑरा आपके तरफ चला जाता है। आपने वो विचार बना के छोड़ दिया, अब वो विचार आपकी लाइफ में काम करना चालू करता है, क्योंकि वो विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में है और आपने उसको जब बोला और सोचा और आपने उसको जब यूनिवर्स में छोड़ा तो वो विचार आपके लिए काम करना चालू करता है। अब वो विचार आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा हमको कहा जाता है कि हमको हमेशा सकारात्मक विचार सोचने चाहिए, पॉजिटिव चीज ही सोचना चाहिए, क्योंकि वो चीज आपके साथ घटित होने लगती है। और हमेशा नेगेटिव विचार जो होते हैं पॉजिटिव विचार से बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए हमको नेगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिव चीजें आपके साथ होने लगेंगी। कई बार आप देखिए कि आप कहीं जा रहे हैं और अगर आपके दिमाग में ये चीज होती है कि अरे मैं लेट नहीं हो जाऊं, तो आप किसी भी तरह से, कभी आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा, कहीं आप किसी काम में उलझ जाएंगे और आप उस जगह पे लेट हो जाता है। आप जैसा सोचेंगे उस तरीके से आप अपने जीवन को बना पाएंगे। इसके लिए आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। और आपको पॉजिटिव रहने के लिए करना क्या है, उसके लिए आपको नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक बातों से हमेशा दूर रहना है और ज्यादा से ज्यादा अपना दिमाग जो है वो पॉजिटिव चीजों में लगाइए। अगर आपको गाने सुनना पसंद है तो आप अपना मन गाने में लगाइए, आपको कोई गेम खेलना पसंद है तो अपना मन गेम खेलने में लगाइए, आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो अपने को रीडिंग में व्यस्त रखिए। अपने दिमाग को खाली मत छोड़िए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए अपने दिमाग को खाली मत छोड़िए, अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करके रखिए। और आप जिस तरीके से अपने आप को व्यस्त रखेंगे, जिस तरीके से आप अगर आप पढ़ाई में आपका मन लगता है तो आप अपने आप को पढ़ाई में रखेंगे, काम में व्यस्त करके रखेंगे, आपकी कोई हॉबीज है, आपको गेम खेलना पसंद है तो आप अपने आप को गेम खेलने में व्यस्त रख सकते हैं, आपको सिलाई कढ़ाई अच्छी लगती है तो आप वो कर सकते हैं, आपको कोई एजुकेशन में कहीं आपको कोई कोचिंग करना है, कहीं आपको लगता है कि मैं कोई स्किल डेवलप कर सकता हूं अपनी, तो आप अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त रखने से आपके दिमाग में फालतू बातें आना बंद हो जाएंगी। उससे क्या होगा कि जब आपका दिमाग एक पॉजिटिव चीजों में, जब आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो आप अपने आप को नकारात्मक से बचा के रखेंगे, और जब पॉजिटिव चीजों से आप घिरे रहेंगे, आपका ऑरा जब पॉजिटिव हो जाएगा तो आपके साथ में हर चीज पॉजिटिव होना चालू होगी। क्योंकि जब आप नेगेटिव वातावरण में रहते हैं, आपका सर्कमस्टांसेस कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है तो आपके मन में उसी तरह के ख्याल आते हैं, आपके मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, या आपका कोई एसोसिएशन अगर ऐसा है जो आपको ऐसा लगता है कि इसके एसोसिएशन से मेरे अंदर नेगेटिविटी आ रही है, तो आप उस जगह को छोड़ दें, उस साथ को छोड़ दें और अपने आप को पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस में ढाल लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके साथ में पॉजिटिव होना चालू होगा। आप एक चीज को आजमा के देखना, आप अगर कोई
निगेटिव फीलिंग वाला गाना सुनते हैं, या कहना चाहिए कि सैड सॉन्ग सुनते हैं। और आप सैड सॉन्ग अगर सुनते हैं तो जाहिर सी बात है, सुनते सुनते वो चीज आपके जवान पे आ जाएगी और पूरा दिन आपके साथ वही गाना चलेगा, वही गाना चलेगा। तो उसका इफेक्ट मालूम है क्या होगा कि जब वो नेगेटिव गाना आप सुन रहे हैं, कोई सैड सॉन्ग है जिसको सुन के आपका मन उदास हो रहा है, आपको फीलिंग ऐसी आ रही है कि मैं भी उसके साथ रोने लगूं उस गाने को सुन के, कहीं आपके कोई इमोशनल अटैचमेंट आपको याद आ गए तो आपको लगेगा कि मैं भी रोने लगूं। तो ऐसे समय पे आपको तुरंत अपनी वाइब्रेशन चेंज करनी चाहिए, अदरवाइज आपके साथ में उस गाने से संबंधित या उस तरह की सिचुएशन घट जाएगी। कब, कहाँ, किस रूप में वो नहीं मालूम, लेकिन उस तरह की सिचुएशन आपके साथ आ जाएगी। इसीलिए कहीं नेगेटिव गॉसिप हो रही है, आप तुरंत अपने आप को वहां से हटा दीजिए, क्योंकि वो गॉसिप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रह जाएगी। और फिर अगर आपने उसको सोचना चालू किया और वो आपकी थिंकिंग में आ गई, तो आपके साथ उस तरीके की घटना, उससे मिलती जुलती घटना कहीं ना कहीं आपके लाइफ में सामने आ जाएगी। इसलिए निगेटिविटी से दूर रहिए, क्योंकि निगेटिव चीजें निगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करती हैं। अगर आपके दिमाग में इस तरीके की बातें आएंगी तो आप उसको अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो वो आपके साथ घटित होने लगेगी। इसलिए निगेटिविटी से दूर रहिए, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहने के लिए आप साधन ढूंढिए, किस तरीके से आपको पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप कैसे अपने ऑरा को पॉजिटिव कर सकते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स रखिए। माइंड को रिलैक्स रखने के लिए आप योगा कर सकते हैं, आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं, जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, और वहीं पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। मेडिटेशन भी बहुत अच्छा माइंड को रिलैक्स करने का एक तरीका है। आप आंख बंद करके 5 से 10 मिनट, आधा घंटा, आप जितनी आपकी कैपेसिटी अलाउ करती है बॉडी की, उस तरीके से आप अपने आप को मेडिटेशन करिए। और मेडिटेशन करने के लिए अपने आप को रिलैक्स छोड़िए और अपने ध्यान को, अपने माइंड को टोटली एक चीज पे फोकस करिए, और किसी तरह की बातें सोचना नहीं उसमें। तो इस तरीके से आप माइंड को रिलैक्सेशन भी दे सकते हैं योगा करके। आपको डांस पसंद है तो आप अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग डांसिंग कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, कई तरह की चीजें हैं जिससे आप अपने मन को पॉजिटिव रख सकते हैं। और अपने आप को निगेटिव विचारों से दूर रखिए, और किसी भी तरह अपने आप को एक एटमॉस्फियर दीजिए जिसमें आप अपने आप को मोटिवेशनल, आप मोटिवेशनल वीडियोस सुन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातचीत, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। कोई आपके कांटेक्ट में हो, आपके फैमिली में कोई ऐसा हो जिसके साथ आप रहे तो आपको पॉजिटिविटी मिले, तो आप अपने उन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताइए। अच्छा सूदिंग म्यूजिक सुन सकते हैं। इस तरीके से आप अपने आप को बिजी रखिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखिए, और अपने माइंड को रिलैक्स रखिए, और आप अपने आप को एक खुशनुमा माहौल दीजिए जिससे आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकें और अपने आप को सकारात्मक रख सकें और एक खुशहाल जिंदगी की ओर अग्रसर हो सकें। जय हिंद, जय भारत।